आज की वाणी है 5 फरवरी 1967 का प्रातः क्लास। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते, पांच सौ करोड़ मनुष्य आत्माएं, जो 700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं वो रूहानी है या नहीं है? वो भी रूहानी है। फिर समझाते 500 करोड़ को है क्या? 500 करोड़ को तो नहीं समझाते हैं, और 500 करोड़ समझने से समझने वाले भी नहीं है, समझाने से भी नहीं समझने वाले, तो किसको समझाते हैं? रूहानी बच्चों को समझाते हैं जो रूहानी स्टेज में। अच्छा हाँ, जो रूहानी स्टेज धारण करते हैं, रूह को पहचानते हैं कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मेरा बाप ज्योति बिंदु, और रूहानियत की स्टेज में स्वयं टिकते हैं, उन रूहानी बच्चों से बात करते हैं, बात भी करते हैं और उनको समझाते भी हैं। सुनाते किसको है? एक होता है सुनना और एक होता है समझना। सुनने वाले ज्यादा होंगे या समझने वाले ज्यादा होंगे? सुनने वाले ज्यादा होते हैं और समझने वाले थोड़े होते हैं। तो जो समझू सयानू बच्चे हैं, रूहानियत की स्टेज में स्थिर होने वाले हैं, उन बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं, क्योंकि बाप ने ये समझाया है कि आत्मा ही ज्ञान धारण करती है। क्या? जो आत्मिक स्टेज में स्थिर होते हैं वो ही ज्ञान धारण करते हैं, जो देवान की स्टेज में होते हैं वो ज्ञान धारण नहीं करते। रूहानी स्टेज वाले बच्चों को समझाते हैं, उन्हों को ही धारणा होती है, ज्ञान की टुकलू टुकलू करते रहते हैं, अंदर भी टुकलू चलती है और बाहर दूसरों को भी सुनाते हैं। तो आत्मा ही ये ज्ञान धारण करती है, रूह है ये ज्ञान धारण करती है, देह अभिमानी इस ज्ञान को धारण नहीं करते। अच्छा थोड़ा बहुत देहबान हो तो चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा। क्यों? सतयुग में नहीं आवेंगे है? थोड़ा भी देहबान हो तो सतयुग में नहीं आवेंगे, आएंगे, लेकिन संपूर्ण जो रूहानियत अगर धारण नहीं की है, 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न ऐसी स्टेज नहीं बनाई है, तो उनके जन्म कम हो जाएंगे, क्योंकि देह भान रह गया, पूरी रूहानियत को धारण नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं की, तो उनके जन्म कम हो जाएंगे। हो सकता है सतयुग में आ जाएं, त्रेता में भी आ जाएं, और जो सतयुग में आएंगे वो त्रेता में तो आएंगे ही, लेकिन देहभान होने के कारण वो पूरी बात समझ नहीं सकेंगे। कौन सी पूरी बात? ज्ञान की। जो रूहानी बाप रूहानी ज्ञान सुनाते हैं उस ज्ञान को पूरा पूरा नहीं समझ सकेंगे। तो आत्मा बनना जरूरी है, आत्मिक स्टेज धारण करना जरूरी है, नहीं तो देवान की स्टेज वाले ये ज्ञान धारण नहीं कर सके, या तो परसेंटेज में कर सकेंगे, परसेंटेज में ज्ञान धारण करेंगे तो उतने ही जन्म कम हो जाएंगे। इसलिए निराकार परमपिता परमात्मा ही ज्ञान सागर कहते हैं। ज्ञान सागर किसको कहा जाता है? जो निराकार है
निराकार है माने सिर्फ बिंदु है, हमेशा बिंदु रहता है क्या? शरीर में तो आता है, लेकिन शरीर में आने के बावजूद भी, मुकरर रथ में आने के बावजूद भी, पतित तन में आने के बावजूद भी, और पतित से पतित दुनिया में आने के बावजूद भी रूहानियत की स्टेज में रहता है, निराकारी निसंकल्पी स्टेज में रहता है, इसलिए उसको ज्ञान का सागर कहा है। तो बच्चे भी नंबरवार ज्ञान के सागर बनेंगे या नहीं बनेंगे? कौन कौन से सागर प्रसिद्ध हैं? सागर तो एक ही है, लेकिन फिर और भी सागर हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं महासागर के रूप में। कितने सागर हैं? सात सागर बताए जाते। तो सात सागर हैं, तो नंबरवार ज्ञान को धारण करने वाले भी होंगे जरूर। जैसे प्रशांत महासागर कैसा है? आज से अंत तक शांत रहता है बहुत बड़ा। फिर उसके मुकाबले अंध महासागर, क्या जहाँ बड़ा मूला ट्रेंगल है, जो भी बड़े छोटे जहाज जाते हैं वहां से गुजरते हैं, वो उनको डुबो देता है। फिर और भी है, हिंद महासागर, अरब सागर, और फिर उत्तरी महासागर, जिसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं, नॉर्थ पोल, बर्फ ही बर्फ जमी रहती है तो सागर लेकिन बर्फ जमी रहती है। ऐसे ही दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी महासागर। तो जैसे स्थूल महासागर हैं, वो किसकी यादगार है? जरूर कोई चैतन्य आत्माएं हैं जिन्होंने इतना ध्यान ज्ञान को धारण किया है, तो महासागर के रूप में गाई हुई है। लेकिन उन सागरों में से भी सबसे बड़ा एक ही सागर गाया हुआ है, जिसको कहते हैं ज्ञान सागर। इस परमात्मा सुप्रीम सोल में ही वो सारा ज्ञान है, सारा ज्ञान किस में है? परमात्मा या सुप्रीम सोल में। क्या कहा जाता है? परमपिता परमात्मा, या परमात्मा परमपिता कहा जाता है? परमपिता पहले और परमात्मा बाद में, क्यों? परमपिता बड़े, परमपिता वो पिता जो सब मनुष्यात्माओं के पिता का भी पिता है, और जिसका कोई कोई पिता नहीं। परमात्मा आत्माओं के बीच में जो परम पार्टधारी माने हीरो पार्टधारी, उसमें मुकर्रर रूप से वो परम पिता प्रवेश करके पार्ट बजाता है। उसी में सारा ज्ञान समाया हुआ है। फिर दोनों आत्माओं में से किस में सारा ज्ञान समाया हुआ है? एवरलास्टिंग, आदि से अंत तक सदैव किस में समाया हुआ है? परम पिता में सदैव समाया हुआ है। उसको कहते हैं सदा शिव। मेरी आत्मा का ही नाम शिव है, मेरी बिंदी का नाम शिव है,
उसमें सारा ज्ञान समाया हुआ है। विस्तार को पाता है तो सागर हो जाता है, सूर्य बन जाता है, ज्ञान सूर्य। कैसे विस्तार को पाता है? क्या बिंदु रूप में रह करके विस्तार को पाता है? जरूर कोई शरीर में प्रवेश करता है। संस्कार तो आत्मा में ही होते हैं, चाहे वो शरीरधारी की आत्मा हो और चाहे वो सुप्रीम सोल हो। सुप्रीम सोल में जो ज्ञान के संस्कार हैं, वो जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं के अंदर वो ज्ञान के संस्कार सदा काल के लिए नहीं हो सकते, इसलिए उसको कहते हैं सदाशिव। क्या? शिव माना कल्याणकारी। वो सदैव कल्याणकारी है, कोई उसकी एक सेकंड भी ऐसी नहीं। 5000 वर्ष के ड्रामा में आता भी है तो भी जिस सेकंड में वो किसी का कल्याण चाहता हो, और बाकी दूसरी आत्माएं, चाहे वो हीरो पार्टधारी ही क्यों ना हो, नंबर वार कल्याणकारी है या नहीं है? नंबर वार सब कल्याणकारी। इसलिए जो एक सेकंड भी अगर किसी का कल्याण चाहता है तो शिव समान पार्टधारी नहीं हुआ। बाप समान तब कहा जाएगा जब एक सेकंड भी किसी आत्मा के प्रति मन के अंदर मैल न रहे। हीरो पार्टधारी भी तभी बन सकता है, चाहे कोई कितना भी विरोधाभास करने वाला सामने आ जाए, लेकिन उसके प्रति भी कौन सी भावना? कल्याणकारी भावना। तब कहा जाता है शिव शंकर एक है। 33 करोड़ देवताएं हैं, उन 33 करोड़ देवताओं में से एक भी देवता ऐसा नहीं है जिसके साथ शिव का नाम मिलाया गया हो। जिस आत्मा के साथ शिव के नाम को मिलाकर एक आकार कर दिया हो, एक ही आत्मा ऐसी है जो कुछ समय के लिए बाप समान स्टेज को धारण कर लेती है। इसलिए शिव शंकर को मिला के भक्ति मार्ग में एक कर देते। इस बात को रूहानी बच्चे समझते हैं, जो जिस्मानी बच्चे हैं वो समझते नहीं है, यूं ही सुन लेते हैं और दूसरों को सुनाते रहते हैं। शिव शंकर एक नहीं है, शिव शंकर अलग अलग हैं। लेकिन पूछा जाए क्या कारण है शिव शंकर अलग अलग क्यों है, भक्ति मार्ग में शिव शंकर को मिला के एक क्यों कर दिया गया, तो उनके पास कोई जवाब नहीं आ गया। क्यों? क्योंकि जो ज्ञान सुनते हैं वो देवान की स्टेज में रहकर सुनते हैं, या तो ब्रह्मा की याद में रहकर के सुनते हैं। उनकी बुद्धि में ज्ञान सुनते समय ब्रह्मा या कोई ब्रह्मा कुमारी बैठी रहती है। इसलिए जो ज्ञान धारण करना चाहिए तह तक वो बुद्धि में बैठता नहीं। तो हर आत्मा में नंबर वार ज्ञान के संस्कार होते हैं। सुप्रीम सोल तो आता है, ज्ञान सागर है, ज्ञान सूर्य का पार्ट बजाता है, लेकिन सब आत्मा एक जैसा धारण करने वाली नहीं बनती। इसलिए उनकी यादगार किस रूप में दिखाई जाती है?
है छोटे छोटे नहीं, आत्माओं की यादगार जो नंबर वार ज्ञान को धारण करती है, ज्ञान धारण करने की बात है। ज्ञान नदियां, ज्ञान सरोवर, झील कहो, सरोवर कहो, ज्ञान गढ़ीतियां, गड्ढे, पोखरे, ज्ञान नाले, पानी भी रहता है, फिर पानी के साथ उसमें गंध भी बहुत बहता रहता है। गंध कौन सा? जो विकृत संस्कार हैं, जो विकृत संकल्प हैं, दुष्ट संकल्प हैं, विविचारी संकल्प हैं, उनका कचरा बहता रहता है। अभी बात बताते हैं, ये नंबरवार संस्कार ज्ञान के आत्मा धारण करती है, शरीर इन संस्कारों को धारण नहीं करता। आत्मा पार्ट बजाने के लिए शरीर धारण करती है ना। आत्मा कहती है मैं शरीर धारण करती हूँ, कब राजा का पार्ट बजाती हूँ, कब रंक बन जाता हूँ। हर आत्मा कहती है, एक आत्मा कहती है, कौन सी एक आत्मा कहती है कि मैं राजा का भी पार्ट बजाता हूँ, मैं रंक भी बन जाता हूँ। जो हीरो पार्ट धारी है, जैसे सीढ़ी के चित्र में दिखाया है, सतयुग के आदि में पहले जन्म में विश्व का बादशाह और आखिरी जन्म में बेगर, फुल बेगर टू फुल प्रिंस बनता है। तो आत्मा ही रंग के संस्कार धारण करती है, आत्मा ही राजा के संस्कार धारण करती है। राजा के संस्कार धारण कौन कराता है? इसके संग के रंग से राजा के संस्कार आते हैं, और किसके संग के रंग से रंक बन जाता है? रावण बनाता है रंक, और राम बनाता है राजा। कौन सा राम? जिस राम के लिए गाया जाता है राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार, वो राम नहीं, वो निराकार राम जो सदैव ही निराकारी निसंकल्पी स्टेज में स्थिर रहने वाला शिव कहा जाता है, सदा शिव। तो अभी तुम बच्चों को ये निश्चय हुआ है, इस बात का निश्चय हुआ है कि राजाई देने वाला बाप ही है। बाप ही है, कौन सा बाप? बाप भी तो बेहद के दो हो गए, एक तो बिंदु बिंदु सभी बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप, मनुष्य मात्र की जो भी बिंदु बिंदु आत्मा है सबका बाप, कीट पशु पक्षी पतंगे सबका बाप, सबका बाप। सबको ज्ञान नहीं सुनाता है, ज्ञान किसको सुनाता है? मनुष्य आत्माओं को ज्ञान सुनाता है, जिनके अंदर मन बुद्धि प्रधान होती है उनको ज्ञान सुनाता है, उनमें भी नंबरवार। ऐसे नहीं 500 700 करोड़ सब सन्मुख आकर के बैठ करके सुनते हैं, नहीं सुनते तो हैं, लेकिन डायरेक्ट सुप्रीम सोल से नहीं सुनते। कोई माँ के रूप में सुनते हैं, कोई फिर बाप टीचर सदगुरु के रूप में सुनते हैं। माँ के रूप में जो सुनने वाले हैं, और जो बाप के रूप से ही सुनने वाले हैं,
और किसी से सुनने वाले नहीं है, उनमें क्या अंतर पड़ जाता है? कोई ऐसे बच्चे हैं जो माँ से सुनते हैं, सुनना पसंद करते हैं, बाप से सुनना पसंद नहीं करते, वो कौन से बच्चे हैं? और जो सिर्फ बाप से ही सुनना पसंद करते हैं और किसी की सुनना पसंद नहीं करते, वो कौन से बच्चे हैं? क्योंकि बाप शिव जब इस सृष्टि पर आता है तो जैसे गीता में कहा है, मैं आकर के सूर्य को ज्ञान देता हूँ, तो ज्ञान सूर्य के बच्चे भी सूर्यवंशी बच्चे होते हैं, वो सूर्य को ही प्यार करने वाले हैं, सूर्य में अपने स्वरूप को मर्ज कर देने वाले हैं। इसलिए जो स्थूल सूर्य है, ऐसे नहीं कि दिन में जब सूर्य निकलता है तो सितारे आसमान में नहीं होते हैं, होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं, लेकिन वो अपने प्रकाश को ज्ञान के सूर्य में मर्ज कर देते हैं, वो अपना अलग से अस्तित्व कोई नहीं रखना चाहते। ये परंपरा शुद्ध भारतवासियों की है। क्या कि बाप जब तक जीवित है तो बच्चा बाप की प्रॉपर्टी पर काबिज हो करके और अपने अस्तित्व को संसार में बनाना चाहे, ये नहीं हो सकता। वो बच्चा किसका नाम आगे रखेगा? बाप एंड सन्स। क्या बाप का नाम देगा और बाद में बच्चों का नाम? वही फादर, कोई भी नाम हो फादर का। तो यहाँ जो भी सूर्यवंशी बच्चे हैं वो ज्ञान सूर्य बाप को आगे रखने वाले हैं, अपने को प्रत्यक्ष करने वाले नहीं होंगे। किसको प्रत्यक्ष करेंगे? बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। और जो अपने को प्रत्यक्ष करते हैं वो चंद्रवंशी हो सकते हैं, चंद्रमा की गोद में पलने वाले कोई भी वंश के हो सकते हैं, इस्लाम वंशी हो सकते हैं, बौद्ध वंशी हो सकते हैं, विदेशी हो सकते हैं, विधर्मी हो सकते हैं, लेकिन सूर्यवंशी नहीं हो सकते। तो बोला अभी तुम बच्चों को ये निश्चय हुआ है कि राजाई देने वाला बाप है, राजाई का वर्षा माँ से भी नहीं मिलता और माँ की गोद में पलने वाले जो भी हैं और माँ के स्वरूप को प्रियोरिटी देने वाले जो भी हैं वो बाप से राजाई पाने के हकदार नहीं बन पाते जब तक बाप को न माने। इसलिए मुरली में बोल दिया देवी के पुजारी है रावण संप्रदाय। कौन सी देवी के पुजारी? देवी तो लक्ष्मी भी है, देवी महालक्ष्मी भी है, कौन सी देवी की पुजारी? जो भी सिंगल देवियां हैं, जो सिंगल देवियों के पुजारी हैं, निवृत्ति मार्ग के पुजारी हैं, उनमें देहभान बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? मुरली में क्यों बोला माँ ब्रह्मा के चित्र को भी नहीं रखना है? ब्रह्मा का अगर फोटो रखेंगे तो पतित हो जाएंगे। कोई कारण होगा?
माँ और बाप में इतना बड़ा भयंकर है, जैसे जमीन आसमान का अंतर क्यों कर दिया, इंद्रास का फर्क क्यों कर दिया? कोई कारण होगा? अरे माँ होती है देह अभिमान वाली और बाप होता है ओरिजिनल स्वरूप में बीज बिंदु। बच्चे जब पैदा होते हैं तो काय से उनकी ओरिजिनलिटी बनती है? बच्चे जो भी पैदा होते हैं वो काय से पैदा होते हैं? बिंदु से ही तो पैदा होते हैं, चाहे साकार रूप में बच्चे हो और चाहे निराकारी बाप के बच्चे आत्मिक स्वरूप में रहने वाले हो, रूहानियत के स्टेज में रहने वाले बच्चे हो, जब तक बिंदु से जन्म न लें तब तक बाप के बच्चे नहीं बनते। तो बिंदु माना बीज, बीज है बाप और धरणी है माताएं। बिंदु निराकारी स्टेज को कहा जाता है। जो निराकारी स्टेज को धारण नहीं करते हैं वो इस सृष्टि के बीज रूप बाप नहीं कहे जा सकते। जो बीज रूप स्टेज बाप की धारण करते हैं वो सारी मनुष्य सृष्टि के बीज बाप कितने हैं, उनकी संख्या कोई निश्चित है या नहीं है? 4.5 लाख। 4.5 लाख बीज मात्र ऐसे हैं जो संपूर्ण बीज रूप स्टेज को धारण करते हैं, निराकारी निरंकारी निर्विकारी बाप की स्टेज को धारण करते हैं। निराकारी होंगे तो देह का कोई अहंकार नहीं रहेगा, देह देह के संबंधों और देह के पदार्थों का कोई लगाव नहीं रहेगा। मोह बाप में ज्यादा होता है कि माँ में ज्यादा होता है? माँ में ज्यादा होता है। माताएं कहेंगी आज तो बाबा माताओं की ग्लानी करना शुरू कर दिया। ग्लानी की बात नहीं है, ग्लानी की बात जब कहेंगे तो माताएं अपने आत्मिक स्वरूप को भूली हुई है। क्या भूली हुई है? क्या आत्मिक स्थिति को भूली हुई है? कि आत्मा ही पुरुष बनती है और आत्मा ही स्त्री बनती है, एक जन्म में पुरुष और एक जन्म में सभी आत्मा स्त्री बनती है, अंत मते सो गते सबकी होती है। जो भी आत्माएं हैं शरीर धारण करने वाली, अंतिम समय में जब चोला छोड़ती है तो जो स्वरूप उनको याद आता है अंतिम समय में, अगर पुरुष चोला याद आ गया तो पुरुष रूप धारण करना पड़े, अगर स्त्री चोला याद आ गया तो स्त्री रूप धारण करना पड़े। और दुनिया में तो काम विकार प्रधान है, सारा जीवन जिनको भी शरीर है इस आसुरी दुनिया में द्वापर कलयुग की दुनिया में वो सब देह अभिमानी होने के कारण काम विकार की ओर उनकी आसक्ति ज्यादा रहती है जीवन में। तो पुरुष चोला होगा तो जीवन में जाति किस रूप को याद करेगा? स्त्री चोले को याद करेगा। और स्त्री चोला होगा तो पुरुष चोले को जाति याद करेगा। तो सारा जीवन जिस स्वरूप को याद किया अंत में क्या याद आवेगा? अंत में वो याद आ जाएगा। इसलिए बताया कि एक जन्म स्त्री का और एक जन्म पुरुष को होता है। खुदान खास्ता कोई कोई ऐसी आत्माएं होती हैं
जो बहुत आत्मिक स्टेज को धारण करती है, वो भी संगम युग में फाउंडेशन पड़ता है, जैसे रुद्रमाला की मणके, उनको मुख दिखाया जाता है, धड़ नहीं दिखाया जाता, किस बात की यादगार है कि उन्होंने आत्मिक स्टेज को धारण किया, देह की कर्मेंद्रियों को बुद्धि से भुलाने की चेष्टा की है। इसमें स्त्री पुरुष की बात नहीं है, वो चाहे स्त्री चोलाधारी हो रुद्रमाला के मणके और चाहे पुरुष चोलाधारी हो, अगर आत्मिक स्टेज को बहुत धारण किया है गहराई तक, तो उन आत्माओं के 84 जन्मों में पुरुष रूप ज्यादा होंगे या स्त्री रूप में ज्यादा जन्म लेंगे? हैं? पुरुष रूप में ज्यादा जन्म लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि उन्होंने फाउंडेशन जो डाला है वो निराकारी स्टेज का पक्का डाल लिया। बाप होता है निराकार बिंदु और माँ होती है साकार धरणी। और जिन्होंने देवान बहुत धारण किया, देवान को छोड़ ही न पाया, कभी कभी समस्या खड़ी हो जाती है, बिंदु को कैसे याद करें? हम आत्मा बिंदु, बिंदु हमें याद ही नहीं आता, तो इसका मतलब देवान में जाती है। ब्राह्मण जन्म में दो तीन जन्म भी होते हैं, संगम युग में ही जो दो तीन बार पुरुष चोला धारण करेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने पुरुष रूप में बिंदु रूप में ज्यादा स्थिरता प्राप्त की है आखिरी जन्म में, जो दो तीन जन्मों में भी आखिरी जन्म होगा। लेकिन ये भी कोई जरूरी नहीं है क्या कि दो तीन जन्म पुरुषों के हुए संगम युग में, स्त्री जन्म हो सकते हैं। क्यों स्त्री जन्म क्यों हो सकते हैं? संगम युग में जन्म मरण के ज्यादा संस्कार क्यों होने चाहिए? संगम युग में जन्म मृत्यु के ज्यादा संस्कार होने चाहिए या कम होना अच्छा है? एक होता है हद का जन्म मृत्यु शरीर से, और एक होता है बेहद का जन्म मृत्यु। बेहद का जन्म है बाप को पहचान लिया, निश्चय बुद्धि बन गया कि ये मेरा बाप है, तो ये बेहद का जन्म है। और बाप को भूल गया, निश्चय बुद्धि बन गया, मृत्यु हो गई। तो संगम युग में जास्ती जन्म लेना, मृत्यु होना स्थूल रूप में या तो सूक्ष्म रूप में अच्छा है या बुरा है? है? बुरा है। बुरा है? क्यों? ज्यादा निश्चय निश्चय के चक्कर में। अच्छा ठीक है, मुरली में क्या बोला है? सबसे जास्ती जन्म मृत्यु के चक्र में कौन आता है? ब्रह्मा की सोल आती है। ये नहीं कही कि राम बाप की सोल आती है। सबसे जास्ती जन्म मृत्यु का चक्र ब्रह्मा की सोल को लगता है। तो ब्रह्मा का पार्ट अच्छा नहीं है क्या? है? अच्छा नहीं है। क्यों? पढ़ाई से जो प्राप्ति होना चाहिए, हाँ, वो नहीं प्राप्त कर पाए। क्या प्राप्ति नहीं हो पाई? इसी तरह से नर से नारायण बनना चाहिए। हाँ, भारतीय परंपरा में ये गायन है,
कि हम परमार्थ भी पैदा करें, परलोक भी सुधारें और इलोक भी सुधारें, ऐसा पुरुषार्थ करें, ये लोक भी समर जाए और परलोक जन्म जन्मांतर भी सुधर जाए, ऐसा पुरुषार्थ शेष है। और ये लोक सारा ही बिगड़ गया तो अंत मते सो क्या होगी, तो गति खराब हो जाएगी ना। जो प्राप्ति करनी चाहिए वो प्राप्ति नहीं हुई, तो ब्रह्मा को जो फॉलो करने वाले हैं उनको पहले ही बाबा ने सतर्क कर दिया कि ब्रह्मा के चित्र को याद नहीं करना। ब्रह्मा मृत्युलोक में जन्म लेता है और मृत्युलोक में ही खलास हो जाता है। तुम तो अमरनाथ के अमर बच्चे हो, तुमको इस दुनिया का अंत देखना है इन आंखों से। जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया, इसलिए 84 जन्म लेने वालों की दो कैटेगरीज हो जाती है। कौन कौन सी? जन्म देने वाले, जन्म लेने वाले। एक जन्म देने वाले और एक जन्म लेने वाले। जन्म देने वाले हैं बीज रूप बाप और जन्म लेने वाले हैं बच्चे के रूप में, बच्चा बुद्धि। जैसे ब्रह्मा बच्चा बुद्धि, सुप्रीम सोल बाप ने ब्रह्मा के मुख से ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके जो भी बोला, जैसे बच्चे प्राइमरी स्कूल के चौपाइयों को, दोहों को, कवित्वों को रट लेते हैं लेकिन उनके गुहयार्थ को नहीं समझ पाते, इसलिए मुरली में बोला है ये कृष्ण तो बच्चा है। बच्चा का मतलब बुढ़ा, बच्चा कैसे हो गया? वो कृष्ण सोल है, वो आखिरी जन्म में बूढ़ा तन धारण करती है तब सुप्रीम सोल उसमें प्रवेश करता है, तो बच्चा कैसे हो गया? वो तो अनुभवी हुआ। एक तरफ बच्चा कहना ये ब्रह्मा बेबी है और दूसरी तरफ अनुभवी तन में आता हूं, तो असलियत क्या हुई? इसमें सच्चाई क्या है? एक तरफ उर्लिम बोला ये बेबी बुद्धि है, शिव बाबा ब्रह्मा को बेबी कहते हैं, बेबी माने बच्चा, और दूसरी तरफ बोला मैं अनुभवी रथ में आता हूँ, तो दोनों बातें अलग अलग हो गई। फिर हाँ जी, अनुभवी रथ में आता हूँ का मतलब ये हुआ कि कोई रथ है जिस रथ में मैं प्रवेश करके बाप का पार्ट बजाता हूँ, माँ खास करके भारतीय माँ घर की चार दीवारी में रहती है और बाप बाहर की दुनिया में कमाई करने के लिए चक्कर लगाता है, तो ज्यादा अनुभवी दुनिया का कौन बनेगा? माँ जाति चक्कर नहीं लगा सकती दुनिया का, माँ का कनेक्शन भारत से है और बाप का कनेक्शन सारी दुनिया से है, इसलिए बोला कि लक्ष्मी से धन मांगते हैं भगत लोग, लक्ष्मी धन कहाँ से लावेगी? लक्ष्मी जो भारत में पूजी जाती है वो धन कहाँ से लाती है? अरे धन कमाने वाला कोई होगा, कमा करके कमाई घर में डालने वाला होगा तभी तो लावेगी। बाप से लेता है। चलो बाप से नहीं लेती है,
जगदम्बा से लेती है। जगदम्बा वो भी रुद्रमाला का मणका है या नहीं है? 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 तो रुद्रमाला का जो आखिरी मणका है वो मणके में क्या शिफ्ट है? जो सुप्रीम सोल बाप के सबसे नजदीक है, जैसे पहला मणका नजदीक है वैसे आखिरी मणका भी नजदीक है। सारी माला में ऊंची स्टेज में बैठा हुआ है, कोई शिफ्ट होगी या नहीं होगी? पहले सरेंडर हो है? हाँ, एक तो जो गुह्यता है सिक्योरिटी की, उस गुह्यता को जानने वाली है। क्या गुह्यता है प्योरिटी की? प्योरिटी की गुह्यता क्या है जो सन्यासियों को पता नहीं है? टीचर में रह करके भी कमल फूल समान जीवन बिताना, वो जगत की अम्मा है। जगत में विदेशी भी है विधर्मी भी है, पतित से पतित धर्मों की आत्माएं भी है। और रावण का पार्ट बजाने वाले विदेशी भी हैं, महाकामी महाक्रोधी लोभी मोही अहंकारी, उन सब को गोद में स्थान देती है। बच्चे बड़े पावरफुल होते हैं या माँ ज्यादा पावरफुल होती है? हैं? माँ होती है। अच्छा, माँ होती है तो कब पावरफुल होती है, और बच्चे पावरफुल होते हैं तो कब पावरफुल होते हैं? टाइम एक ही है या अलग अलग है? अलग अलग है। माँ तब पावरफुल होती है जब बाप का संग होता है। ज्यादा मेला किसका लगता है? जगदम्बा का बड़े से बड़ा मेला लगता है वैष्णो देवी पर। जो बड़ा मेला लगता है वो किस बात की यादगार है? मिलन मेला कि जगदम्बा ने जितना मिलन मेला मनाया बाप के साथ, उतना और कोई नहीं, और कोई जगदम्बा की भुजा ने नहीं मनाया। इसलिए संग का रंग जाति किसको लगता है? हैं? जगदम्बा को जाति संग का रंग लगता है। वो इतनी पावरफुल हो जाती है कि उसका नाम रख दिया है प्रकृति। कृति माने रचना। क्या नाम रखा जाता है? प्र माने प्रकृष्ठ, कृति माने रचना। ईश्वर की प्रकृष्ठ रूप में रची गई रचना, ऐसी प्रकृष्ठ रचना जिसमें रचयिता ने एड़ी से लेकर के चोटी तक की ताकत लगा दी। जितना वो संग का रंग लेती है इतना कोई भी मनुष्य आत्मा संग का रंग नहीं धारण करती। तो फिर कितनी पावरफुल बन जाती है, हैं? जब सतो प्रधान स्टेज धारण करती है तो जो माताएं होती है सतयुग में वो इतनी सेवा नहीं करती जितनी सेवा प्रकृति करती है। सतो प्रधान प्रकृति देवताई मानवीय सृष्टि की कितनी सेवा करती है, सब कुछ मुहैया कराती है। वो है सतो प्रधान रूप। और जब बाप से दूर हो जाने की शूटिंग करती है या खुदान खासा दूर हो जाने की शूटिंग होती है और आसुरी बच्चों को गोद में लेकर के उन्हें प्यार देने की शूटिंग करती है, तो संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? लगता है।
और कमजोरी आ जाती है। कैसी कमजोरी? तामसी पने की कमजोरी। प्रकृति इतनी तामसी बन जाती है सृष्टि के अंत काल में कि एटम बमों से जितना विनाश नहीं होता उससे कई गुना बड़ा विनाश प्रकृति करने का निमित्त बनती है। जब पृथ्वी में भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी फटेंगे तो दुनिया की जो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, 100-100 माह से भी ज्यादा की, वो सब ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो जाएंगे। दुनिया का सबसे बड़ा विनाश करने का निमित्त कौन बनती है? तामसी प्रकृति। तो रिजल्ट क्या निकला? बाप से जितने ही नजदीक, क्योंकि बाप है सदगुरु का रूप, भारतीय परंपरा में ये मान्यता है कि उपासक नाम दिया है ना, क्या उपासक, उपमाना नजदीक, आसक माना आसन लगा के बैठने वाला, किसके नजदीक उपासक? गुरु के नजदीक। कि गुरु के नजदीक जो जितना होकर के बैठता है वो उतनी पावर भर लेता है। यहाँ तो गुरु गुरु ही नहीं है, वो बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। जब टीचर है तो जो होशियार बच्चे होते हैं वो आगे आगे आकर के बैठते हैं, टाइम से पंक्चुअल होकर, या पीछे आके बैठते हैं, वो तो हद की बात हुई या फिर बेहद की बात है। क्या सूर्यवंशी बच्चे पहले भी आगे आए थे? आगे आए और जब माँ की गोद में दूसरे दूसरे धर्म की आत्माएं आ गई बच्चे बन करके, तो वो पहले चले गए, आदि में आए और आदि में ही चले गए। दूसरे धर्म की आत्माएं सब पलती रही माँ की गोद में, कब तक? 68 तक पलती रही। अभी भी जो माँ की बनाई हुई परंपरा है ब्रह्मा माँ की, उस परंपरा में अभी भी पालना ले रही है। उनमें समझ शक्ति कम क्यों हो जाती है? बुद्धि कमजोर क्यों हो जाती है? इस बात का टेंशन नहीं दिया, बाप को पढ़ाई पढ़ने का, बाप को पहचानने का टेंशन नहीं दिया, और पहचान करके उसके नजदीक बैठने का अटेंशन नहीं दिया। वो सुप्रीम सोल बाप जिसमें प्रवेश करता है उससे बुद्धियोग लग गया, अथवा तो ब्रह्मा के जो कुखवंशावली बच्चे बने, कुख माना गोद, गोद से प्यार करने वाले बच्चे बने ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी, उनमें बुद्धियोग लग गया, और सुप्रीम सोल बाप और सुप्रीम सोल बाप की वाणी को बिल्कुल त्याग दिया, भूल गए, जैसे बेधारियों से ही बुद्धि चिपक गई, तो वो सब आसुरी संप्रदाय बन जाते हैं। इसलिए जन्म मरण का चक्र सबसे जास्ती माँ को दिखाया है। रावण
जो 10 सिर वाला है, 5 सिर 5 विकारों के रूप और 5 सिर प्रकृति के रूप, स्त्री मुख, वो 10 सिर वाला जो रावण है उसका मुखिया कौन है? चित्रों में कौन मुखिया दिखाया गया है? गधा। गधे को कितना भी ज्ञान से नहलाओ धोलाओ, ज्ञान स्नान कराओ, पानी का स्नान कराओ, वो क्या करेगा? लौट जाएगा। पानी में स्नान करने वाला वो फिर धूल में लौट जाता है। धूल है देह अभिमानी की धूल। तो वो गधे का सिर रावण के 10 सिरों के ऊपर दिखाया गया है, देह अभिमान। 5 विकारों का बाप कौन हुआ? देह अभिमान। देह अभिमान का गधा का रूप में दिखाया गया है। गधा अच्छा भोजन करता है क्या? है? जो गाय बैल भैंस होते हैं उनकी बची बचाई घास भी उसको शाम को डाल दी जाए तो वो भी सहनशीलता पूर्वक खा लेता है। कितनी सहन शक्ति होती है। भक्तों ने तो गीत बनाए दिए। क्या गीत बनाए हैं? है? घास खाए गऊ, दूध पिए ग्वाल, माखन मिश्री मदन गोपाल। ये क्या बात हुई? जो माताएं सबसे जास्ती सहन करती है, जिनकी इतनी महिमा की है मुरलियों में, वो घास क्यों खाती है? क्यों खाएं घास? नहीं, मोह के कारण। बच्चे के मोह के कारण। बच्चों के ही मोह होता है, परिवार का मोह होता है, बच्चों का मोह होता है। इसलिए बोला है माताएं अगर मोह के ऊपर विजयी बन जाएं, तो समझो वो पास हो गई। और माताओं की माता कौन? जगदम्बा। और दूसरे नंबर में माता कौन है? ब्रह्मा। दादा लेखराज ब्रह्मा, टाइटलधारी ब्रह्मा। ये दोनों आत्माएं जितना सहन करती हैं संगम युग में, इतना और कोई माई का लाल सहन नहीं कर सकता। फिर सुप्रीम सोल तो बैठा हुआ देख रहा है ना, देख रहा है कि नहीं? देख रहा है, देख रहा है। तो उजूरा नहीं देगा क्या? है? उजूरा देता है। क्या उजूरा देता है? है? 2500 साल के भक्ति मार्ग में कभी भी माताओं को वर्षा नहीं मिला। क्या? ये तो अभी बाप आए हैं, माताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये आधुनिक गवर्नमेंट के ऊपर भी असर पड़ गया। अभी माताओं का हिस्सा प्रॉपर्टी में निकलने लगा है। पहले भारतीय परंपराओं में, परंपरा में माताओं को कोई हिस्सा नहीं मिलता था। दादे की सारी प्रॉपर्टी बच्चे के पास जाती थी, बच्ची को नहीं मिलती थी। माता बनती थी तो भी नहीं मिलती थी। बाप खुदा न खास्ता शरीर छोड़ जाए तो प्रॉपर्टी किसके नाम की जाती थी? बच्चे के नाम की जाती। ये भक्ति मार्ग में जो भी होता है उसकी रिहर्सल कहाँ होती है? क्यों ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है? कारण है? अरे अभी अभी तो बताया
मोह। शास्त्रों में भी लिख दिया है मोह सकल व्याधिन कर मूला। नष्ट मोह अगर बन जाए तो शिव शक्तियां बन जाएंगी। जो शिव शक्तियां होती है उनको जो प्राप्ति होती है वो किसी युग में हो जाती है। वो शिव की शक्तियां फिर रोने वाली नहीं होंगी, भीख मांगने वाली नहीं होंगी कि हमको सुख दे दो, हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत परेशान हैं। वो सुख शांति को बांटने वाली बन जाएंगी। इसके लिए क्या करना है? सिर्फ है मोह को जीतना है। मोह को जीतना भी है तो कैसे जीतना है? निर्मोही को याद करें। जो सुप्रीम सोल बाप है एक बार बच्चों को दे जाता है वर्षा, और वर्षा देने के बाद कितने वर्ष तक परम नाम घर में बैठता है? 5,000 साल। सबसे ज्यादा निर्मोही कौन हुआ? सुप्रीम सोल बाप। इसलिए वो जैसा जो होता है वैसा ही बनाने की शिक्षा देता है। तो उसकी आखिरी पढ़ाई क्या है? नष्टो मोह स्मृति लब्धा। इस आखिरी जन्म में जो चोला मिलता है मिट्टी का पुतला, उसमें कितना मोह हो जाता है। उस मिट्टी के पुतले के जो संबंधी है, बाल बच्चे हैं, नाना चाचा काका ताऊ जो भी है, उनमें कितना मोह हो जाता है। और पढ़ाई क्या कहती है ईश्वर की, क्या लक्ष्य देती है? अपन को आत्मा समझो और आत्मा समझ करके बाप को याद करो। और क्या तरीका बताते हैं? देह और देह के संबंधों को भूल जाओ। देह के संबंधों को भी भूल जाना है और देह से लगे हुए जो पदार्थ हैं उनको भी भूल जाना है। ऐसी जब स्टेज बनाए लेंगे, लेकिन कैसे कैसे बनावेंगे? एक ही जवाब, अपन को आत्मा समझ, बाप को याद। 70 साल हो गए, अभी तक ये पूर्ति क्यों नहीं हुई काम की? ये पुरुषार्थ पूरा क्यों नहीं हुआ? दे अभिमान में भी क्यों है, क्यों नहीं छूटता है? बाप के ऊपर निश्चय नहीं है, है? हिसाब किताब चुप क्यों कर रहे हैं? ये कैसे मालूम कि हिसाब किताब चुप तू नहीं हुआ है? अभी और होना बाकी है, कितने साल बाकी है पता चल गया हो? क्यों हिसाब किताब चुप तू होने का जो टाइम है वो पता चल गया होगा? अच्छा, हिसाब किताब पहले किसका चुप तू होगा? बाप। जिनका चुकतू होगा वो ज्यादा फायदे में रहेंगे, या जिनका बाद में चुकतू होगा वो ज्यादा फायदे में रहेंगे? पहले चुकतू करेंगे। तो जो पहले जिनका हिसाब किताब चुकतू होता है उन्होंने क्या पुरुषार्थ किया होगा? क्या तीव्र पुरुषार्थ किया होगा? हाँ जी, असली पुरुषार्थ है अपन को सवेरे सवेरे उठ करके कोई दूसरा संकल्प ना आए, मैं ज्योति बिंदु आत्मा, इस संकल्प को फाउंडेशन में बहुत पक्का कर रहे हैं। अगर ये एक संकल्प ही पक्का हो जाए तो सारा पुरुषार्थ का फाउंडेशन पक्का होने से सारी पुरुषार्थ की बिल्डिंग बढ़िया बन जाएगी। ओम शांति।